वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस मेरा नाम है अर्पिता एंड वेलकम टू माय चैनल सो आज का मेरा वीडियो है अबाउट कॉस्ट ऑफ़ लिविंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया सो डेफिनेटली अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं सो आपको जानना ज़रूरी है कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो होगा सो आई विल गिव यू एन आइडिया क्योंकि ऑफकॉर्स लाइक डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कौन सी है सिटी में है या नहीं रीजनल में है या नहीं बट डेफिनेटली ये एक एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट आपको एक आइडिया तो डेफिनेटली आ जाएगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो राइट सो लेट्स बिगेन सो नंबर वन कॉस्ट इज़कॉर्स आपका जो अकोमोडेशन होता है राइट सो मैं आपको एक आइडिया दूँगी अबाउट डिफरेंट लोकेशन और उसका एक एवरेज प्राइस कितना होता है वहाँ पर अकोमोडेशन का सो लेट्स से सिडनी सो सिडनी एंड मेलबिन यहाँ की बहुत एक्सपेंसिव सिटीज़ है सो यहाँ पर ऑफकोर्स अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू ब्रिस्बिन या पर्थ और रीजनल में ब्रिस्बिन से भी चीप होगा राइट सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन द प्राइस विल फ्लक्चुएट सो सिडनी में टू गिव यू एन आइडिया एक वन बेडरूम यूनिट जो है सिडनी में ये वन बेडरूम अपार्टमेंट की प्राइस होगी 500 डॉलर पर वीक ओके सो यहाँ पे जो रेंट्स होते हैं वीकली होते हैं मंथली नहीं होते सो 500 डॉलर पर वीक फॉर अ वन बेडरूम यूनिट इन सिडनी एंड वहाँ पे हाउसेस क्योंकि प्राइसेस अभी काफ़ी बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड दर इज़ अ बिग डिफरेंस एंड दर इज अ बिग फ्लक्चुएशन इन द प्राइस सो वहाँ पर अगर आपको एक हाउस चाहिए इन ऑन एन एवरेज मीडियम हाउस फॉर रेंटिंग सो उसका प्राइस होगा बिटवीन सिक्स हंड्रेड टू एट हंड्रेड डॉलर पर वीक ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिटी विच इज़ मेलबर्न, मेलबिन सो मेलबर्न में वन यूनिट अपार्टमेंट का होगा अप्रॉक्सीमेटली थ्री फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड पर वीक और वही होगा मीडियम हाउस प्राइस टू रेंट इन मेलबर्न वुड बी फोर फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड पर वीक ओके नाउ मैं ब्रिस्बेन में आई थी और ये प्राइसेस डेफिनेटली आठ साल पहले में आई थी और उस टाइम पे हम शेयर कर रहे थे तीन चार लोग हम लोग शेयर कर रहे थे सो तो ये काफ़ी प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर हर प्राइस सारी चीज़ें आप रिड्यूस कर सकते हैं सो so, ब्रिजबिन में फॉर वन बेडरूम यूनिट एवरेज रेंट वुड बी थ्री टू फोर पर वीक एंड फॉर हाउजिज़ द मीडियन हाउज टू रेंट इन ब्रिजबिन इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड डॉलर पर वीक ओके सो डेफिनेटली डिपेंड करता है लोकेशन पर और डेफिनेटली डिपेंड करता है कितना पास है आपकी यूनिवर्सिटी से सिटी के कितना पास है या थोड़े दूर में है सो ये प्राइज़ फ्लक्चुएट होंगे उसके बाद पर्थ में है इट्स फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पर वीक फॉर वन बेडरूम अपार्टमेंट एंड पर हाउस इट इज़ सिक्स हंड्रेड डॉलर टू एट हंड्रेड डॉलर पर वीक ओके नाउ मूविंग ऑन सो ये ये एक आइडिया था आपको देने के लिए सो so, इसके अलावा होती है ऑन कैंपस एकोमोडेशन जो कि एक्सपेंसिव हो सकती है ऑफ कैंपस एकोमोडेशन और आप शेयरिंग का मैंने आपको टिप्स बताया तो टिप्स वुड बी डेफ़िनेटली आप रिसर्च करिए आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा आप यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे सो so, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा सो so, वो आप कंसिडर कर सकते हैं शेयरिंग आप कंसिडर कर सकते हैं Uh, आपने इमीडिएटली नहीं है, आपने ले लेना है पहले आपने देखना है सूटेबल ऑप्शन क्या है ठीक है और ये फ्लक्चुएट होगा डिपेंडिंग ऑन फर्निश्ड है या नहीं है हाउस राइट फर्निश्ड है सेमी फर्निश्ड है फुली फर्निश्ड है या फिर उसकी लोकेशन क्या है कितने अम्यूनिटीज़ के वो पास है स्कूल के या आप यूनी के या फिर हॉस्पिटल्स के या सिटी सेंटर से कितना पास है यू you नो know? ये सारी और ट्रांसपोर्टेशन के कितने पास है सो so इस ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं अकोमोडेशन कॉस्ट पर ओके मूविंग ऑन फूड एंड ग्रोसरी एक्सपेंस सो पहले तो मैं आपको ईटिंग आउट का बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे बाहर रोज खा रहे हैं ठीक है सो कैजुअल डाइनिंग के लिए आपको टेन टू ट्वेंटी डॉलर लगेगा अगर आप मैकडोनल्ड्स और ये सब इसमें खा रहे हैं लेकिन आप फाइन डाइन करेंगे सो मिनिमम फोर्टी डॉलर पर पर्सन आपको लगेगा एवरी टाइम यू ईट आउट ओके उसके अलावा टेक अवे आप ले सकते हैं अगर आप फ़ूड चेंज जो फास्ट फूड चेंज जैसे मैंने बोला चीप मील्स लेंगे तो फाइव टू फिफ्टीन डॉलर में आपका हो जाएगा एक मील या तो फिर आ, यहाँ पे ऑप्शन है जैसे इंडियन और वियतनामीज़ और चीप ऑप्शन भी है सो so, उनसे आप टेक अवे करेंगे तो टेन टू ट्वेंटी डॉलर पर आ, पर मील आपका होगा उसके अलावा यहाँ पे जो कॉफ़ी और स्नैक होता है सो फोर टू सिक्स डॉलर की अप्रॉक्सीमेटली कॉफ़ी आपकी आ जाती है विद स्नैक और यू नो जनरल प्राइस रेंज उतना है और um, इसके अलावा सो वॉट आई विल टेल यू जो मैंने किया था कि डेफ़िनेटली आप कुकिंग सीखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप एज़ ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं सो तो आपको आना चाहिए बेसिक कुकिंग क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है और कुकिंग uh, की बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप ग्रोसरी महीने की आपकी फोर्थ नाइट की आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं जिसका मैं एक आइडिया देती हूँ आपको सो so, यहाँ पे जो सुपर uh, मार्केट्स uh, होते हैं जैसे कोल्स या वुलवर्थ uh, और आल्डी एक ऑप्शन uh, है जो कि रेलिटिवली चीप है होल्स या वर्थ से सो so डेफिनेटली आप यहाँ से वीकली या फोर्थ नाइथली शॉपिंग कर सकते हैं एंड द वीकली शॉप कुड कॉस्ट यू अराउंड एटी टू वन फिफ्टी डॉलर पर वीक रहा बट इससे क्या होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ ले सकते हो और आप मील्स घर पे बना सकते हैं सो एवरी टाइम यू डोंट नीड टू स्पेंड लाइक फोर्टी डॉलर यू नो ट्वेंटी डॉलर एवरी टाइम वंस इन अ वाइल ठीक है आप बाद में करिए आप बिजी है आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके लिए मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आप कुकिंग सीखिए और यहाँ पे आके आप अच्छी अच्छी मील्स ट्राई करिए बनाइए और ग्रोसरी शॉपिंग आप करिए इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही शॉपिंग सेंटर्स में जाना है ठीक है सो हर सिटी में आपको नेटवर्किंग करके फाइंड आउट करनी है ऐसी जो फ्रेश प्रोड्यूस की मार्केट्स लगती है ठीक है फार्मर्स मार्केट्स होती है फ्रेश प्रोड्यूस की मार्केट्स होती है जहाँ पर प्राइस रेलिटिवली चीपर होते हैं कभी कभी तो फिफ्टी आपको मिलेगा कि यू you नो know, आप ग्रोसरी स्टोर गए आपने हंड्रेड डॉलर स्पेंड किया और यहाँ पे आपने जस्ट आधा यू नो फोटी डॉलर स्पेंड किया और आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मिल गए और अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं सो यू नीड टू कीप एन आए और आपको थोड़ी रिसर्च करनी है कि कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको रिलेटिवली चीपर मिलेगा uh, थोड़ा सा आप वो मैनेज करिए और तो आपकी काफ़ी सेविंग्स आप इसमें कर सकते हैं और सो मूविंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट ओके सो पहले तो मैं आपको बता दूँ अगर आप सोच रहे हैं कि um, यहाँ पे आप आएंगे कार खरीदेंगे ठीक है आप फ्यूचर में तो आप ख़रीदेंगे ही पर आप नए नए स्टूडेंट आए हैं तो यहाँ पे अगर आप एक कार ख़रीदते हैं सो so ऑफ़ कोर्स आपको फ्यूल होता है आपको मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स होते हैं ठीक है उसका इंश्योरेंस होता है कार का जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एट हंड्रेड टू वन और वन uh, जाता है टू तक सो so इंश्योरेंस होती है उसके अलावा रजिस्ट्रेशन होता है जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आई वुड से फाइव हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड एनुअली लगेगा सो so एक कार को आपको मेनटेन करने के लिए चलाने के लिए ऑन रोड यहाँ पे साल का आपको उस पर फाइव थाउजेंड सिक्स से सिक्स थाउजेंड डॉलर खर्चा आएगा सो so आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टूडेंट हैं आप सीख रहे पढ़ने आए हैं राइट सो इस टाइम पर आपके लिए सबसे कन्वीन ऑप्शन होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना और राइट सो बसेस टू गिव यू एन आइडिया यहाँ पे कार्ड्स बनते हैं राइट सो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जैसे कि सिडनी में ओपल कार्ड होता है मेलबिन में माइकी कार्ड होता है और ब्रिजबिन में ट्रांसलिंग जो ट्रांसलिंग इनकी ऐप है और उसमें उसको गो कार्ड कहा जाता है जो कि आप इन गो सो आप टैप करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की uh, क्या होती है कि आप फोर हंड्रेड डॉलर वीकली के हिसाब से आप बनाइए और आप उसको रिचार्ज करते जाइए एवरी टाइम यू गो टू गो लाइक ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन आप वहाँ पर उसको रिचार्ज कर सकते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन ये है मैंने यही यूज़ किया है सो um, बसेस so का एवरेज टू डॉलर टू फाइव डॉलर ठीक है सिंगल टिकट का प्राइस होगा ट्रेन का इट वुड बी लाइक फोर टू एट डॉलर एंड द ट्राम्स मेलबर्न में ट्राम्स का भी ऑप्शन है और ब्रसबिन में लाइक यू नो फेरीज का ऑप्शन है सो so वो भी आप ले सकते हैं तो एज अ स्टूडेंट द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली यूज़ करिए और थोड़े पैसे बचाइए ताकि आप बाद में वो यूज़ कर सकें और मूविंग ऑन तो हमने अकोमोडेशन कवर कर लिया हमने ट्रैवलिंग कवर कर ली इसके अलावा आपका हेल्थ केयर सो यहाँ पे आप आएंगे सो डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट आएंगे सो so आपको ओवर सी स्टूडेंट हेल्थ कवर आपको लेना पड़ेगा सो so आपको इंश्योरेंस लेना यहाँ पर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है सो so बिना इंश्योरेंस के तो यहाँ चलता नहीं है ठीक है ना आपको हेल्थ के लिए आपको इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए बाद में आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे फ्री होते हैं पर एज अ स्टूडेंट आप ओवर सी स्टूडेंट हेल्थ का जो हेल्थ ले, इंश्योरेंस लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली टू गिव यू एन आइडिया कि थाउजेंड डॉलर एनुअली डिपेंडिंग ऑन वॉट इट्स कवरिंग थोड़ा सा आप ऑग्जिलेरी और थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे तो वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बट ठीक है अगर आप यंग है तो इतना आप यू uh, नो you know, uh, एक एवरेज वाला वो हेल्थ कवर भी ले सकते हैं ठीक है उसके अलावा एजुकेशन ये सारा मैं एजुकेशन एक्सपेंस आपका अभी नहीं कवर कर रही हूँ इसमें कि आपकी ट्यूशन फी डिपेंड करेगा आपकी कोर्सेज के हिसाब से इट विल फ्लक्चुएट इसके अलावा आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस राइट सो so, यहाँ पे काफ़ी कॉमनली um, जो आपकी कुकिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है सो इलेक्ट्रॉनिक यू नो आपका जो कुक टॉप होता है वो इलेक्ट्रिसिटी uh, से चलता है सो ये काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, सो ऑन एन एवरेज आई वुड से हंड्रेड सो इसका मैंने लिखा है हंड्रेड डॉलर पर मंथ ठीक है सो so, इलेक्ट्रिसिटी का आपको लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंजम्शन ऑफ कोर्स एंड वाटर का अफकोर्स लाइक अप टू अटन लिमिट कंजम्पशन जो होगा वो सर्टन यूज फ्री होगा उसके बियॉन्ड आपको देना पड़ता है बट हॉट वाटर का आपको पे करना पड़ेगा तो इट टू गिव यू एन आइडिया फोर्टी डॉलर पर मंथ आई वुड से फॉर लाइक हॉट वाटर कंजम्शन ओके इसके अलावा होती है इंटरनेट सर्विसज राइट सो इंटरनेट सर्विसेज आप वोडाफोन uh, या टेलस्ट्रा या ऑप्टिस जो भी आपको जिसके भी साथ जाना है जिसका भी नेटवर्क आपको अच्छा लगता है पर टू गिव यू एन आइडिया 45 फ़ाइव टू फिफ्टी से शुरू होगा और डिपेंडिंग ऑन द प्लान प्रीपेड पेड पोस्ट पेड या आपको इंटरनेशनल रोमिंग चाहिए या ये सर डिपेंडिंग ऑन द प्लान आपका वो फ्लक्चुएट होगा 50 टू 70 और 80 90 तक भी जाता है सो so आप देख सकते हैं आपको कौन सा प्लान चाहिए उसके बाद ओके okay, सो so, ये था मोबाइल प्लान्स और इसका अलावा जो वाईफाई होता है ठीक है जो राउटर आप लेते हैं सो आई वुड से कि सेवेंटी टू एटी डॉलर पर मंथ सो सिक्सटी फाइव से शुरू होता है डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क ऑफ कोर्स वो फ्लक्चुएट करेगा ओके okay. अगर आप कोई जिम uh, और फिटनेस ज्वाइन करेंगे पहले तो आई वुड से कि आप पहले आप डंबल्स लेके आप घर पे शुरू करिए या रनिंग कीजिए या वॉकिंग कीजिए या यू नो जस्ट पहले तो इसमें सेव करिए लेकिन अगर बाद में आपको उसमें स्पेंड करना है सो आई वुड से टेन टू फोर्टी डॉलर वीकली आपको पे करना पड़ेगा जिम एंड फिटनेस मेम्बरशिप के लिए ठीक है फिर आप कॉन्सर्ट्स में जाएंगे ये तो लग्जरी में आ, आ जाएगा कि आपको कॉन्सर्ट्स और वनस एंड ये सब आ, आपको अटेंड करना है सो फिफ्टी डॉलर उसका आता है टिकट्स का अप्रॉक्सीमेटली ठीक है तो आप ऐसी जगह जा सकते हैं इन द बिगनिंग जो कि फ़्री है ठीक है इसमें आप सेव कर सकते हैं बट अप्रॉक्सीमेट फिफ्टी सिक्सटी डिपेंडिंग ऑन वॉट यू डूइंग और नेशनल पार्कस में होती है कभी कभी टेन फिफ्टीन डॉलर टिकट्स आपको पे करनी होती है ठीक है और दैट्स वेरी मच एट एव कवर्ड आई थिंक द बेसिक्स कि मैंने आपको बताया इसमें टिप ये थी अकोमोडेशन के लिए कि आप लोकेशन देखिए पास में लेना है अगर आपको यूनिवर्सिटी के सो so आप मेक श्योर sure आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अकोमोडेशन हर चीज़ आपकी डिवाइड हो जाएगी यूटिलिटीज़ आपकी डिवाइड हो जाएगी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी थी हम लोग चार लोग थे तो हर चीज़ रेंट चार लोगों में डिवाइड होता था इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल चार लोगों में डिवाइड होता था इवन हमारा जो वाईफाई है वो चार लोगों में डिवाइड हो जाता है सो so आप काफ़ी सेव कर सकते हैं ठीक है अगर आप ऐसे करें और इसके अलावा जो मैंने आपको लोकेशन बताई कि लोकेशन के हिसाब से अभी जो प्राइमरी कॉस्ट आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका कहाँ रहना है तो आप थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं देखिए आप यूनिवर्सिटी के पास लेना है थोड़ी दूर रहना है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन फर्निश चाहिए या नहीं और उसके अलावा मैंने आपको सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपकी है कि आप कुकिंग सीखिए और घर पे आप कुक करिए तो इससे आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं इन द बिगनिंग लेटर ऑन ऑफ़ कोर्स आप स्पेंड करिए या जैसे भी आपकी प्लानिंग हो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अबाउट क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट होते हो आपको ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता अबाउट सेविंग्स ठीक है तो एज अ स्टूडेंट आप कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे uh, बहुत जब आप नए आए हैं न्यू ट्वेंटीज़ और आप कैसे सेव करके एज अ स्टूडेंट आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो लॉन्ग रन में वो सेविंग्स आप यूज़ कर सकते हैं आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट बट ये था मेरा वीडियो अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया और इसमें मैंने एक बस आपको एक गाइड दिया है एक आइडिया दिया है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको कितने कैल्कुलेशन uh, करने हैं और कितने पैसे आपको लगेंगे एंड um, uh, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय